वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट के बाद पंजाब हुकूमत की फुर्तियां, तनख्वाह के इजाफे के बिल में तरमीम कर दी। तरमीम शुदा बिल से वज़ीर-ए-आला की मराद की शिक खत्म कर दी गई। स्पीकर की तनख्वाह में भी 50,000 रुपए कम कर दिए गए। तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा। अरे बिल्कुल, तनख्वाहों का जो मामला है उसमें अरकान असेंबली की तनख्वाह को हुकूमत पंजाब ने बरकरार रखने पर मजबूर है और वज़ीर-ए-आज़म की हदायत के बावजूद अरकान असेंबली की तनख्वाह उसी तरह रखी गई है। तमाम जो साबिक वज़ीर-ए-आला की मराद का क्लॉज है उसको खत्म कर दिया गया। इस क्लॉज की जो है उस बिल में शमूलियत थी उसको हुकूमत ने गलती करार दिया और कहा कि गलती की इसलाह स्पीकर के जो 1997 के कायदा 200 के तहत रूल्स में इख्तियार है उसके तहत उस गलती की इसलाह करके गवर्नर से मंजूरी से पहले इस बिल में वो वाला क्लॉज निकाल के नया क्लॉज शामिल कर दिया और नए क्लॉज में सिर्फ ये बात शामिल की है कि साबिक वज़ीर-ए-आला जो जिनको 6 माह तक वो वज़ीर-ए-आला रहे होंगे उनको ताहयात जो है मुनासिब सिक्योरिटी मिलेगी। घर, गाड़ी, ऑफिस और दूसरे जो मामला थे वो क्लॉज में से सारे खत्म कर दिए गए और स्पीकर की तनख्वाह जो है उसमें भी 25,000 रुपए की कमी की गई है। पहले 1,75,000 तनख्वाह थी, अब 1,50,000 रुपए तनख्वाह उनकी महाना कर दी गई है। यूं कहें कि जो स्पीकर की वज़ीर-ए-आला की तनख्वाह है और अरकान असेंबली की तनख्वाह है उसको हुकूमत उसी तरह बरकरार रखने पर बजट है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे।